नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो लगातार हमें लो देखने को मिल जाता है। करंट प्राइस की भी बात करें, लगभग 9 रुपये 15 पैसे के आसपास इसकी करंट प्राइस देखने को मिल जाती है। और आने वाले फ्यूचर में कैसा स्टॉक रह सकता है और उस स्टॉक का नाम क्या है, ओरिएंटन ग्रीन पावर कंपनी का एक छोटा सा पेनी स्टॉक है। और इसकी करंट प्राइस की बात करूं दोस्तों, बहुत ही कम देखने को मिल जाता है। करीबन 5 दिन की बात करें तो स्टॉक लगभग 1-1.5% से भी ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल जाता है और हमें डाउन देखने को मिल जाता है। करीबन बात करें वही 1 मंथली की, तो हमें इतनी बड़ी कोई गिरावट देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, देखो दोस्तों, नॉर्मली गिरावट होती है, ठीक है, कोई भी स्टॉक हो। और जैसे 6 मंथ की बात करें तो लगभग स्टॉक 16.5% के आसपास गिरावट में देखने को मिल जाता है। अब कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर बहुत कम प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा और भी डाउन जाता हुआ नजर आ जाएगा। और मैं आपको लोगों को बता दूं, स्टॉक के अंदर बहुत जल्दी अपर सर्किट देखने को मिलेगा आप लोगों को, वो भी करीबन पहली बार 10% 10% तो नहीं 5%, दोनों में से कोई भी चॉइस हो सकता है। और कम टाइम के लिए लगेगा, जब तक तो आप लोग 10% लगेगा, और लॉन्ग टाइम के लिए जैसे चलता है ज़्यादा टाइम तक 5% अपर सर्किट लगेगा। ठीक है, अब जैसे 6 मंथ की बात कर ली, अब जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गए, जैसे 1 साल से होल्डिंग करके बैठे हुए हैं इसके अंदर, तो उसे उसने इस स्टॉक ने आराम से पैसा 1 रुपये का आराम से 3 रुपये इस स्टॉक ने बना के दिया, 2 गुना रिटर्न निकाल के दिया, तो इसको भला बुरा क्या कह सकते हैं। जैसे कि मैंने सजेस्ट किया था बहुत टाइम पहले हो गया, तो यहाँ पे आपको पता है 6 रुपये 10 पैसे की तेज़ी देखने को मिल जाती है। एक टाइम स्टॉक के अंदर जंप भी देखने को मिलता है और अचानक जंप के बाद में एक डाउन भी मारता है स्टॉक, ठीक है, उसके बाद में स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं ज़्यादा का नहीं बोल रहा, बस 10-20% अपना अमाउंट लगा के चल सकते हो। ठीक है, मैं 1 टाइम नहीं 2 टाइम नहीं 3 टाइम नहीं 4 टाइम के अंदर बाय करके चल सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक के अंदर एक SIP के तौर पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइबर्स की भी बात करें, लगभग आपको पता है कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम की भी बात कर ले, लगभग हमें स्टॉक 80% गिरावट डाउन में देखने को मिल जाता है। करीबन इसको अब नए पुराने इन्वेस्टर हो गए, जैसे नए इन्वेस्टर हो गए तो सोच रहे हैं कि हमें इसमें बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टॉक लगातार दिनों दिन नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नए इन्वेस्टरों के लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि मैंने आपसे सजेस्ट किया कि दोस्तों आप लोग इस पर नज़र बना के रखो। ठीक है, जब भी मौका मिले आप लोग 20 या 10% अमाउंट अपना लगा के बाइंग करके चल सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता SIP के तौर पे आप लोग इसे बाय करिए, आप वाकायदे में आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पेनी स्टॉक हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी पेनी स्टॉक हो तो आप SIP के तौर पे बाय करके चलो। और फ्यूचर में आप लोगों को पता है आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपका लॉस बहुत कम देखने को मिलेगा। जहाँ लॉस मारे वहाँ पर आप लोग एक छोटा सा अमाउंट और लगा दो। ठीक है, तो ऐसे करके एवरेज करके चलोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। और हो सकता है अचानक स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दे, तो आप लोग अच्छा भला रिटर्न भी कमा लोगे। ठीक है, तो वैसे आज के दिन की हम बात करें तो आपको पता है ओपनिंग होता है 9 रुपये 20 पैसा और हाई भी जाता है 9 रुपये 25 पैसा, लो भी देखने मिल जाता है 9 रुपये 5 पैसा। ठीक है, और मार्केट कैप की बात करें, लगभग आपको पता है मार्केट कैप भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो 700 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो स्टॉक का मार्केट इतना बड़ा होने के बाद में हमें क्यों गिरावट में देखने को मिलता है, तो एक दिन इसके अंदर भी तेज़ी आएगी, बट वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग अब जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गए तो होल्डिंग बना के रखो, आप एग्जिट मत करना स्टॉक से, एग्जिट करोगे तो वहाँ आपकी गलती करोगे। ठीक है, तो ओरिएंटन ग्रीन पावर कंपनी के बारे में मैंने बता दिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।